गोरखपुर के गगा थाना क्षेत्र के चवरिया में हुई लूट की सूचना पुलिस की जांच में फर्जी निकली। इस मामले में पुलिस ने झूठी सूचना देने वाले को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि सोमवार को देवरिया जिले के बरहज में चौराहे पर आटा सूजी तथा चोकर की दुकान चलाने वाले अम्मा पांडे व्यापारी शैलेंद्र गगा क्षेत्र स्थित फ्लोर मिल पर पिकअप लेकर ड्राइवर के साथ खरीदारी करने आया था। शैलेंद्र ने गगा थाने पर पहुंचकर अपने साथ 68,000 रुपये लूट होने की जानकारी दी थी। घटना की जानकारी के बाद गगा एसओ जगत नारायण सिंह मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौजूद ट्रक ड्राइवर व खलासी तथा दुकानों वालों से पूछताछ की। पूछताछ में लोगों ने ऐसी घटना से इनकार किया। वहीं पुलिस मामले की संदिग्ध मानते हुए व्यापारी शैलेंद्र को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। इस मामले में प्रभारी गगा जगत नारायण सिंह का कहना है कि लूट का मामला फर्जी था। फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में आने पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए एसपी ग्रामीण विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा। थाना क्षेत्र में एक अभी दोपहर में ही लूट की सूचना मिली थी। इसमें एसओ और उनकी टीम वहाँ पे गए, एसओ गगा गए थे और वो लूट की सूचना फर्जी थी। उसको व्यक्ति जो सूचना दिया था उसको पकड़ा गया है और उसकी ले जाकर उससे पूछताछ की जा रही है और फर्जी सूचना देने के उसमें उसे कार्रवाई की जाएगी।